Good morning, my dear students of class 8. Welcome to my English class. Hope all of you are fine in this pandemic period and following the SOPs of COVID 19. Okay, beta. Today we will continue with our previous topic, Porus and his elephant, which is taken from the Tulip series of class 8 English. Tige okay, beta. जैसे कि मैंने आपको कल टॉपिक के बारे में कल जो ये पोरस एंड हिज एलिफेंट है एक्चुअली ये एक पोम है मगर पोम नहीं है इसे बैलड कहा जाता है बैलड का मतलब है वो वो पोम जिसमें शॉर्ट स्टोरी नरेट की गई हो एंड दिस इज अबाउट एंड दिस पोम इज़ अबाउट द पोरस एंड हिज एलिफेंट दिस पोम इंडिकेट्स द फेथफुलनेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट टर्ड्स हिज मास्टर पोरस ओके तो कल आपने देखा कि किस तरीके से ये पोरस और उसके एनमी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था जंग छिड़ चुकी है फायरस जंग छिड़ चुकी है दराए जेलम के किनारे पर एक तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है और दूसरी तरफ जो है कौन दूसरी तरफ पोरस है तो क्या होता है फायरस जंग उनके बीच में छिड़ जाती है जिसे शोर से ये बो एरो से ये पोरस जो है वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और ये एलिफेंट जो है उसका उसके सामने खड़ा हो जाता है और तमाम स्वर्ड्स के तमाम अरोज के जो डार्ट्स हैं वो अपने ऊपर सहता है और खुद वाउंड हो जाता है मगर अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है तो नाउ लेट्स प्रोसीड क्या है आगे नेक्स्ट है क्या बोलता है ट्रम्पटिंग लाउडली ही हेल्ड एट बे

ऊंची आवाज़ निकालना अब ये ऊंची आवाज़ कौन निकालता है एलिफेंट एलिफेंट जोर जोर से चिला रहा है टू ही हेल्ड एट बे ही हेल्ड एट बे का मतलब है कीप अवे दुश्मनों को अपने मालिक से दूर रखने के लिए जो एलिफेंट है ही वॉज ट्रम्पटिंग लाउडली यानी कि वो लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा था ताकि फोरमैन विद और स्पेयर्स और स्वर्ड जो उसके दुश्मन थे फोर मैन कौन होता है फ्रंट लाइन सोल्जर्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स को फोर मैन कहा जाता है जिनके हाथ में एरोज थे स्पेयर्स थे स्वर्ड थे उनको अपने मालिक से दूर भगाने के लिए वो एलिफेंट जो है वो ज़ोर जोर से चिल्ला रहा था साउंड प्रोड्यूस कर रहा था चैलेंज दैम टू दैम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे डियर डैम टू इंजियर हिज वाउंड लॉड और उन्हें चैलेंज कर सक कर रहा था क्या कह रहा था उन्हें कि अगर आप में हिम्मत है डियर डियर का मतलब है हिम्मत अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने दुश्मन को जख्मी कर सको जो कि लॉर्ड था किसका एलिफेंट का यहाँ प्रे का मतलब क्या है बेटा प्रे था पोरस और किसका दुश्मन था पोरस अलेक्जेंडर का ठीक है तो ये हाथी जो है ये जोर जोर से करहा के फ्रंट लाइन सोल्जर्स को चैलेंज का पीछे भगा रहा था और उन्हें चैलेंज कर रहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे मास्टर को जख्मी कर सको कर कर सकते हो तो इसे ज़ख्मी करो ठीक है बेटा क्स्ट में क्या बोलता है मगर पहले देखो आप बेटा इसमें राइमिंग वर्ड कौन सा है आखिर पे बड़े ही जो उसकी माइटी ट्रंक है माइटी ट्रंक पता क्या होता है हाथी की सूंड जो फ्रंट पे होती है हाथी की सूंड उसे बोलते हैं ट्रंक कहते हैं लास्ट पे उसने अपनी माइटी ट्रंक जो बड़ी उसकी बड़ी सारी सूंड थी उस पर बड़े ही प्यार से उसने अपने मालिक को अपने सर पे लिफ्ट किया चढ़ा दिया बोर ही इन अनकॉन्शियसनेस फेंटनेस शंक वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फेयर और ड्रेड और उसे बेहोशी की हालत में जो था पोर्स जो बेहोशी की हालत में था उसे अपने सर पे बिठाकर ऐसी जगह ले गया जहाँ पे वो आराम कर सके बिना खोफ के बिना डर के ठीक है बेटा आह और इसका राइमिंग वर्ड क्या है सॉरी इस टेंजा का राइमिंग वर्ड क्या है ट्रंक ड्रेड आह लास्ट टैंजा आह

वो जानवर वो चीज डंप थिंग्स का मतलब होता है ऐसे जान चूँकि इनको जानवर क्यों कहा गया है दे हैव लेस सेंस ऑफ इंटेलिजेंस दे आर लेस इंटेलिजेंट और इनमें इतना सोच नहीं होता लेकिन कहता है बेशक ये लगते हैं हमें ये लगते हैं कि ये डंप थिंग्स हैं लेकिन क्राई ये भी चीखते चिल्लाते हैं दे पैंट ये भी जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं दे टू कैन लव ये भी प्यार करते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने गॉड ने इनको ऐसा ही बनाया है पोरस वज सेव्ड और आखिर पे पोरस जो है वो बच जाता है पोरस वज सेव्ड बट हिज एलिफेंट डाइड फ्रॉम हिज वाउट मगर जो उसका हाथी था वो जख्मों की किताब ना ला सका वो जख्म बर्दाश्त ना कर सका अपने मास्टर को बचाते बचाते उसने खुद की जान दे दी दस द लेजेंड लीजेंड का मतलब क्या है वो स्टोरी जो पुराने जमाने से चलती आई हो लीजेंड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में हम लीजेंड को बोलेंगे ए स्टोरी फ्रॉम एंशेंट टाइम ए स्टोरी फ्रॉम एंश जो पुराने जमाने से जो कहानी चलती आ रही हो उसे हम लीजेंड कहते हैं और ये पॉइंट जो है पहले भी मैंने आपको बताया है इसके जो पॉइंट है दैट इज मैरी डॉब्सन मैरी डॉब्सन ने ये पॉइंट लिखी हुई है ओके बेटा थैंक यू